दोस्तों, किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए पैसा चाहिए होता है। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत तो होते ही है। और हर किसी के पास पैसा होता नहीं, तो जो सबसे ऑब्वियस ऑप्शन बचता है वह है लोन। अब दोस्तों, देश में जो बड़े व्यापारी हैं उन्हें तो आसानी से बैंकों द्वारा लोन मिल जाता है, क्योंकि उनके पास बैंक को दिखाने के लिए काफी संपत्ति होती है। समस्या देश में छोटे व्यापारियों को होती है, क्योंकि बैंक को दिखाने के लिए उनके पास कोई संपत्ति नहीं होती, तो बैंक उन्हें किस आधार पर लोन देगा। तो ऐसे में देश के जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें बिजनेस के लिए लोन लेने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है। तो दोस्तों, इन्हीं छोटे और नए व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना की शुरुआत की गई है। इसी योजना को आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सरकार की इस योजना का उद्देश्य खासतौर पर छोटे और नए व्यापारियों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह छोटे और नए व्यापारियों को बहुत ही आकर्षक ब्याज दरों पर लोन मुहैया कराएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना की शुरुआत कुछ साल पहले ही की गई थी, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना या कहें मुद्रा योजना के बारे में ही बात करेंगे। जानेंगे कि यह लोन क्या है, यह लोन कैसे मिल सकता है, कौन कौन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस लोन के अंतर्गत कितने तक का लोन मिलता है और आप कैसे इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य तो यही है कि देश में जो छोटे और नए व्यापारी हैं उन्हें व्यापार शुरू करने के लिए बहुत ही आकर्षक ब्याज दरों पर बैंकों से लोन मुहैया कराया जाए। दोस्तों, आज के समय में देश में 4 करोड़ 25 लाख से भी ज़्यादा छोटे व्यापारी हैं। ऐसे में उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन की सुविधा बहुत ज़रूरी है और यह योजना इसी की पूर्ति करता है। दोस्तों, इस योजना के तहत 3 तरह के लोन प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पहला है शिशु लोन। इस लोन के तहत व्यापारी को 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। इसके बाद आता है किशोर लोन, जिसके अंतर्गत व्यापारी 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है तरुण लोन, जिसके अंतर्गत व्यापारी 5 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, जब बिजनेस शुरू करने के लिए लोन की बात आती है तो लोन की कई योजनाएं तो पहले से ही चल रही है और बैंक भी इसके लिए लोन देते हैं, तो फिर बात है कि प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना में खास बात क्या है। दोस्तों, इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत व्यापारियों को लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। यानी कि इस लोन के अंतर्गत जो व्यापारी लोन लेते हैं उन्हें किसी प्रकार की गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। सरकार व्यापारियों को 50,000 से 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप यदि चाहें तो ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप गूगल पर जाकर सीधा सर्च कर सकते हैं प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और वहां आपको इसकी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। या फिर ज्यादा अच्छा रहता है कि आप बैंक के नाम से ही सर्च कर लें, उदाहरण के लिए SBI मुद्रा लोन अप्लाई। यदि आप गूगल पर जाकर यह सर्च करते हैं तो आपको सीधा SBI बैंक का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उस बैंक के पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस लोन के लिए अप्लाई करने का। आपको वहां ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर सबमिट कर देंगे, जो कि बैंक तक पहुंच जाएगा। फिर बैंक से आपको SMS प्राप्त होगा, जिसके बाद वेरिफिकेशन आदि के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक में जाना होगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई हो जाएंगे तब बैंक द्वारा आपको लोन मिल जाएगा और वह लोन की रकम आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। ऑनलाइन के बाद आती है ऑफलाइन प्रक्रिया। ऑफलाइन में तो आपको सीधा जाकर बैंक में ही विजिट करना होगा, आप जिस बैंक से मुद्रा लोन चाहते हैं। आप जिस भी बैंक से मुद्रा लोन लेना चाहते हैं उसकी सबसे नजदीकी ब्रांच जाकर आपको विजिट करना होगा। वहां आपको बैंक के कर्मचारी से बात करनी होगी इस लोन के बारे में। आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, इसीलिए आपको उस बैंक के कर्मचारी को अपना बिजनेस आइडिया समझाना होगा। आपको बताना होता है कि आप किस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, आपको कितने तक का लोन चाहिए, उस हिसाब से आपको लोन के लिए अप्रूवल मिलता है। वहां पर भी आपको एक ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसके बाद बैंक द्वारा आपसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे जो लोन अप्रूवल के लिए जरूरी है। उन सभी दस्तावेजों को बैंक में जमा करने के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आपके बैंक खाते में वह लोन आ जाएगा। यह हो गई प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन के लिए अप्लाई करने की बात। इसके बाद बात करें कि इसके लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो मुख्य तौर पर इसमें जो आवेदक लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका आय प्रमाण पत्र, उसका आवासीय प्रमाण पत्र, उसकी पासपोर्ट साइज फोटो, 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट और बिजनेस एड्रेस प्रूफ लगता है। इसके अलावा भी बैंक आपसे कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते हैं, पर मेनली यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बैंक को सबमिट करने होते हैं। अब किसी भी लोन से जुड़ी सबसे जरूरी बात यह होती है उस लोन की ब्याज दर। दोस्तों, प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के तहत मिलने वाले लोन की ब्याज दर की बात करें तो यह ब्याज दर काफी अच्छी रहती है, क्योंकि इसे बनाया ही गया है आसान शर्तों पर
व्यापारियों को देने के लिए। दोस्तों ब्याज दर में इस लोन के अंतर्गत ब्याज दर 7.3% से लेकर 12% तक हो सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक का मतलब है कि यह ब्याज दर अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग निर्धारित होता है। आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि आपका ब्याज दर कितना बनेगा। अलग अलग बैंक इसका निर्धारण अलग अलग करते हैं। फिर ब्याज दर इस पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी राशि लोन में ले रहे हैं। यदि आप कम राशि लेंगे तो ब्याज दर कम, जबकि ज्यादा राशि पर ब्याज दर ज्यादा लगता है। उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ 50,000 तक का लोन लेते हैं तो इस पे ब्याज दर 1% से लेकर 12% तक रहता है, और उसी तरह लोन की रकम बढ़ने के साथ ब्याज दर भी बढ़ती है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना के तहत कुछ आंकड़ों की बात करें तो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष में इस लोन के अंतर्गत कुल मिलाकर 6,22,47,606 अकाउंट्स में, यानी कि इतने लोगों को इस योजना के तहत लोन प्रदान किया गया है। और इस लोन की कुल राशि की बात करें तो 3,37,495 करोड़ का लोन इस योजना के तहत सैंक्शन हुआ है, यानी कुल इतनी राशि सिर्फ इस लोन के अंतर्गत दी गई है। अब इसमें भी सिर्फ महिलाओं की बात करें तो 3,91,03,349 महिलाओं के अकाउंट में इस योजना के तहत लोन दिए गए हैं, और इसकी कुल रकम 1,45,182 करोड़ रुपए की होती है। तो दोस्तों इतने लोगों द्वारा इस लोन योजना का लाभ उठाया जा चुका है और अभी भी उठाया जा रहा है। ऐसे में यदि आप भी कोई छोटे व्यापारी हैं और बिजनेस के लिए लोन चाहते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना से संबंधित और विस्तार से जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आर्टिकल का लिंक दिया गया है। उस आर्टिकल में इस लोन से संबंधित सारी बातें को स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताया गया है। यदि आप इस लोन से संबंधित सारी बातें और ज्यादा विस्तार में जानना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिया गया वह आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।